हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएनटी एजुकेशन हब। आप सभी का एक बार पुनः साइंस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पदार्थ और द्रव्य के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पदार्थ के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस, इन अवस्थाओं के बारे में अपने थोड़ी सी बात पहले के वीडियो के अंदर कर ली थी। अगर आप नए हैं तो एक बार ज़रूर पहले के भाग को आप देखिएगा, ताकि ये जो आज की क्लास है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज अपन थोड़ी सी उससे आगे बात करेंगे, जैसे पदार्थ, इसकी तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो थोड़ी सी बात करते हैं आज अपन, इनकी जो कण है, इनके कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल है वो किस प्रकार प्रेजेंट होता है, किस प्रकार पाया जाता है। तो देखिए, अंतराणविक आकर्षण बल, तो देखिए कि किस प्रकार ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा होता है या फिर द्रव में या फिर गैस में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पदार्थ कठोर होता है, कठोर होने का कारण क्या है कि उसमें जो ठोस के जो कण हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और जिसके कारण उनके कणों के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो क्या होता है, मजबूत होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ठोस में अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अगर आगे बात करें तो द्रव में और उसके बाद में सबसे कम है वो अंतराणविक आकर्षण बल है, वो किसके मध्य होता है, गैस के मध्य होता है। ये तो अपना हो गया घटताक्रम। कैसा क्रम है, घटताक्रम। अगर मैं इसी बढ़ते हुए क्रम की बात करूं तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, हाँ, गैस, बोलो गैस का क्या है, सबसे न्यूनतम है, उसके बाद में द्रव और उसके बाद में ठोस। तो ये ठोस का क्या हो जाएगा, सर्वाधिक अंतराणविक आकर्षण बल, जिसके कारण ठोस के कण है वो पास पास होते हैं, और ठोस वो क्या कैसा होता है, कठोर होता है, उसके बाद में द्रव और उसके बाद में क्रम। तो ये अपना हो गया बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये तो होगी अपने पास में कि पदार्थों के अंदर किस प्रकार के अंतराणविक आकर्षण बल है वो पाया जाता है। थोड़ी अपन आगे और बात करें एक ऊष्मीय प्रसार के बारे में, किसके बारे में, ऊष्मीय प्रसार के बारे में। ऊष्मीय प्रसार, देखिए क्या होता है ऊष्मीय प्रसार, कोई भी पदार्थ ऊष्मा पाकर फैलता है, या अपन कह सकते हैं अपने पास में कोई भी पदार्थ है, जब मैं उस पदार्थ को गर्म करता हूँ तो नॉर्मली जो उसका आयतन है उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, और यही आयतन में वृद्धि क्या कहलाता है, ऊष्मीय प्रसार। अर्थात किसी भी पदार्थ का ऊष्मा को ग्रहण करके ऊष्मा पाकर उसका फैलना क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार। तो देखिए कि कोई भी, माना कि मेरे पास में पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है, और मैं उसको क्या करता हूँ, टेम्परेचर देता हूँ या उसको मैं गर्म करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, बोलो क्या होगा, उस पदार्थ के आयतन में क्या होगी, वृद्धि होती है। आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि हमारा जो जल है, जो वाटर है, वो वाटर तीनों अवस्थाओं में प्रेजेंट होता है, ठोस के अंदर भी पाया जाता है, द्रव के अंदर भी होता है, और गैसीय अवस्था भी इसकी होती है। लेकिन जो हमारा जल है उस जल के अंदर ऊष्मीय प्रसार की घटना नहीं होती है, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो देखिए जल के अंदर किस प्रकार की घटना होती है, जल का होता है असंगत प्रसार। क्या होता है, जल का असंगत प्रसार। देखिए जल का असंगत प्रसार का अर्थ यह है कि कोई भी पदार्थ है, जैसे अपन उसको गर्म करते हैं तो नॉर्मली उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर पर उसके आयतन में क्या होती है, कमी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 0 डिग्री टेम्परेचर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लेकर 4 डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जल के, बोलो, आयतन में क्या होती है, कमी होती है। जल के आयतन में क्या होती है, कमी होती है, अर्थात इनके कण है वो पास पास आते हैं। जल के आयतन के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है। कब होता है, 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर तक जल का आयतन है वो कम होता है, इससे अपन कह सकते हैं कम होता है। तो ये क्या हो गया, जल का असंगत प्रसार हो गया। अगर बात करें आगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से
100 डिग्री तापमान तक जल के आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। जल के आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। जल के आयतन में ये क्या होगी? वृद्धि होगी। तो अपन कह सकते हैं, देखिए आयतन, आयतन क्या होता है? अभी शब्द देते हैं घनत्व, डेंसिटी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, अर्थात कोई भी पदार्थ है, अगर उस पदार्थ का आयतन कम है, आयतन क्या है? कम है, तो उसका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि घनत्व और आयतन आपस में व्युत क्रमानुपाती होते हैं। तो घनत्व ज़्यादा होगा तो आयतन कम होगा, लेकिन जब घनत्व कम होगा तो उसका आयतन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अपन कह सकते हैं ये आपस में कैसे होते हैं, एक प्रकार से व्युत क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान देने पर जल के आयतन में क्या होती है? कमी होती है। दूसरी बात, और आगे 4 डिग्री टेम्परेचर से आगे 100 डिग्री टेम्परेचर तक जल के आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब देखो, अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल का जो आयतन है वो न्यूनतम होता है। देखिए, जल का आयतन न्यूनतम कौन से डिग्री टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री टेम्परेचर पर। और देखिए आगे क्या होता है, जल के आयतन में क्या होती है? वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल का आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। तो देखिए, अपन ने बात की, जब आयतन न्यूनतम तो घनत्व क्या होगा? सर्वाधिक होगा। तो अपन कह सकते हैं कि 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल का घनत्व क्या होगा? सर्वाधिक होगा। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल का आयतन न्यूनतम होगा और मिनिमम, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब देखिए, ये तो अपने पास होगी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव और गैस, इनके नॉर्मली गुण अपन ने पढ़ लिए। अंतरा आणविक आकर्षण बल के बारे में बात कर लिया, उसमें प्रसार, जल के अंदर किस प्रकार आयतन बढ़ता है, किस प्रकार घनत्व के अंदर परिवर्तन होता है, तो इनकी भी अपन ने बात कर ली। आगे अपन पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था BEC, इनके बारे में बात करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो प्लाज्मा, इस अवस्था की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इस अवस्था की खोज विलियम कुक्स के द्वारा इस पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में खोज की गई थी। अब देखिए, इन्होंने है वो खोज एक समकते हुए पदार्थ के रूप में की। किसके रूप में की? इन्होंने एक समकते हुए पदार्थ के रूप में की थी, और उन्होंने नाम भी दिया था कि एक समकता हुआ पदार्थ। ध्यान दीजिए, खोज विलियम कुक्स के द्वारा क्या नाम दिया गया था? एक समकता हुआ पदार्थ नाम दिया गया था। अब देखिए, कहते हैं कि प्लाज्मा समकते हुए पदार्थ को भी अपने एक प्लाविक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाविक। जो समकता हुआ शब्द है, यह भी एक प्लाविक शब्द से बना है, और प्लाविक शब्द से ही कौन सी अवस्था बनी है? प्लाज्मा अवस्था बनी है। अगर अपन बात करें प्लाज्मा अवस्था का जो नाम, वास्तविक नाम है, वो किसके द्वारा दिया गया था? जो प्लाज्मा अवस्था का नामकरण है वो किया गया था इरविन लैंग ग्यूडर के द्वारा। अटपटा नाम है इरविन लैंग ग्यूडर। इरविन लैंग ग्यूडर के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, या सबसे पहले इसको प्लाज्मा नाम है वो किसने दिया था? इरविन लैंग ग्यूडर के द्वारा इसको नाम है वो दिया गया था। अब देखिए, खोज विलियम कुकस के द्वारा, इन्होंने विलियम कुकस के द्वारा क्या नाम दिया गया था? एक समकता हुआ पदार्थ।
और जो समग्र तो पदार्थ है वो एक प्लाविक वर्ड से बना है, इसलिए इसका नाम प्लाज्मा रखा गया। और जो प्लाज्मा नाम है वो किसने दिया था? इरविंग लैंग्यूडर के द्वारा। अब देखिए क्या होता है, माना कि कई जब एक नई अवस्था की खोज होती है तो क्या किया जाता है, पहले ये चेक किया जाता है कि क्या इनके गुण है वो अन्य अवस्थाओं से मिलते जुलते हैं। अगर इनके अन्य अवस्थाओं से मिलते जुलते नहीं हैं तो फिर इस नई अवस्था का नामकरण किया जाता है। अब देखिए प्लाज्मा अवस्था के अंदर क्या होती है, गैस होती है, और वो गैस किसके रूप में होती है, आयनीकृत। वो गैस है आयनीकृत, अर्थात उसके अंदर आयन होते हैं, और यह गैस है वो आसानी से विद्युत धारा का प्रवाहन कर सकती है। देखिए नॉर्मली जो भी अपने पास में ठोस पदार्थ है और ठोस जैसे ही ऊर्जा देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, द्रव में, और द्रव को अपन ऊर्जा देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस में। किस में? गैस में। और कोई भी गैसीय पदार्थ है उसको अगर अपन ऊर्जा देते हैं तो वह फिर उसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इत्यादि कण है वो पृथक होने लगते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं किसी भी गैसीय अवस्था में और अधिक ऊर्जा देने पर, इन्हें और अधिक एनर्जी देने पर, जो भी गैस के अंदर परमाणु हैं उन परमाणुओं से क्या होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये कण क्या होते हैं, पृथक होने लगते हैं। और इन जब ये कण पृथक होते हैं जिसके कारण ये पदार्थ है वो आयनीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, अर्थात आयनों के अंदर क्या हो गया, विभक्त हो गया। तो इनसे परमाणु से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इनकी जो उत्सर्जित होते हैं जिसके कारण ये जो पदार्थ है वो क्या हो गया, आयनीकृत हो गया, और हमें एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिस जो परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बनी होती है, उसे अपन कहते हैं पदार्थ की सोती अवस्था। कौन सी अवस्था, सोती अवस्था, और उसे अपन क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा। क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा। देखिए जो हमारा ब्लड्स है, ब्लड्स वो भी एक प्रकार के प्लाज्मा है, लेकिन अगर बात करें जो हमारी ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड शब्द लिखा है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक कौन सी पदार्थ की अवस्था अवेलेबल है तो वो हमारी हो जाएगी पदार्थ की सौती अवस्था। देखिए जो भी गर्म पिंड है, क्या है, गर्म पिंड, यहाँ तक कि सूर्य, सूर्य और भी तारे हैं, उनमें बताओ पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रेजेंट होती है, उनमें पदार्थ की सौती अवस्था, प्लाज्मा अवस्था ही पाई जाती है, क्योंकि वहाँ के सारी गैसें वो कैसी होती है, आयनीकृत होती है। एक देखिए वायुमंडल की आयन मंडल, वायुमंडल की आयन मंडल जिसमें भी प्लाज्मा अवस्था मौजूद होती है। तो ये होगी अपने पास प्लाज्मा अवस्था के बाद। आगे अपन बात करते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था, कौन सी, बीईसी, जिसे अपन क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ध्यान दीजिए लगभग 1920 में, लगभग 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा एक अलग अवस्था की कल्पना की गई थी, वह अवस्था थी कौन सी, अपनी बीईसी, पांचवी अवस्था पदार्थ के बारे में। इस अवस्था में किसी भी तत्व के परमाणु को क्या किया जाता है, जीरो केल्विन ताप, जीरो केल्विन ताप, या अपन इसे कहते हैं परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। अगर मैं बात करूं सेंटीग्रेड की तो अपना हो जाएगा 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब उसे ठंडा किया जाता है तो उस पदार्थ के, उस तत्व के सारे परमाणु मिलकर आपस में एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, और सारे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु निर्माण करते हैं जिसे अपन कहते हैं सुपर एटम, जिसे अपन क्या कहते हैं, सुपर एटम कहते हैं। और इस सुपर एटम को ही अपन क्या कहते हैं, पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं। ध्यान दीजिए इस पांचवी अवस्था के अंदर जो सारे कण हैं वो मिलकर एक परमाणु का निर्माण करते हैं, एक
बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, लेकिन जो बाकी वाले पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनके अंदर कण क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं के अंदर गतिमान होते हैं, लेकिन पदार्थ की पांचवी अवस्था में सारे कण मिलकर एक बड़े परमाणु का ही निर्माण करते हैं, उसमें अपन कह सकते हैं एक बड़ा परमाणु होता है। तो किसी भी तत्व के परमाणु को जीरो केल्विन, ये ओके नहीं है, ये जीरो केल्विन तापमान, केल्विन तापमान की इकाई, तो जीरो केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे जब ठंडा किया जाता है तो उस पदार्थ के सारे कण मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, पदार्थ की पांचवी अवस्था या BEC। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सर्वप्रथम 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इनकी भविष्यवाणी करने के कारण इसे अपन BEC भी कहते हैं। तो ये तो होगी हमारे पास में पदार्थ के बारे में बात कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी अवस्था के क्या गुण हैं। आगे अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, आगे अपन एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।